सीडब्ल्यूसी की बैठक में उठी राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग। पेट्रोल डीजल और रसोई सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भारतीय यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पंपोर में लश्कर के टॉप कमांडर समेत दो आतंकी हुए ढेर। उद्धव ठाकरे ने एनसीबी पर साधा निशाना तो बीजेपी बोली सीएम ड्रग माफिया का समर्थन क्यों कर रहे हैं। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई जैकलीन फर्नांडिस, अब एजेंसी ने सोमवार को बुलाया। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। दो दिवसीय धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां नया घाट स्थित यात्री निवासी सरयू होटल पर कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भगवान राम का शासन हमारे लिए एक आदर्श है, उसी आदर्श को आत्मसात कर जनता तक विकास की योजनाओं को पहुंचाया जाए, उसी उद्देश्य के साथ भगवान राम का आशीर्वाद लेने में पहुंचा हूं। उन्होंने कहा कि बचपन से अयोध्या आता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित के लिए काम कर रही है और पीएम ने लगातार किसानों के हित में काम किया है। जहां तक हमारे उत्तराखंड का प्रश्न है, हम लोग, मैं स्वयं किसान परिवार से हूं, सैनिक परिवार से भी हूं, किसान परिवार से भी हूं, उनके बीच से हूं। हम लोग लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लगातार किसानों के लिए, आज किसान सम्मान निधि योजना हो, अन्य योजनाएं हो, किसानों की आय दुगनी कैसी हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे यहाँ के सारे किसान ये बात समझते हैं, क्षेत्र से जानते हैं। मुख्यमंत्री, ये कहा जा रहा है कि आप उत्तराखंड के साथ साथ में उत्तर प्रदेश की भी राजनीति करेंगे, क्या है मामला? नहीं नहीं, अभी मेरे पास उत्तराखंड का काम है, उत्तराखंड की जनता की सेवा करूँ। मेरी पार्टी ने, मेरे हाईकमान ने मुझे उत्तराखंड का ही काम दिया है और ये मेरा कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। वही मुरादाबाद जनपद में केंद्रीय मंत्री और यूपी भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक निजी होटल में बैठक की। बैठक के अंदर मुरादाबाद मंडल के सिर्फ 25 नेताओं को आमंत्रित किया गया, जिनसे यूपी चुनाव के मद्देनजर चर्चा की गई। मीटिंग के अंदर विधायक, मंत्री, राज्य मंत्री, अन्य जनप्रतिनिधि शामिल रहे, जिनके साथ धर्मेंद्र प्रधान की बैठक जारी रही। भारत सरकार की ओर से रामपुर में हुनर हाट की आज उद्घाटन करने की ये कार्यक्रम था। विशेष करके हमारी समाज में जो कौशल्य है, परंपरागत आर्टिशन है, कुम्हार है, बढ़ाई है, सोनार है, लोहार है, पसमंदा बुनकर लोग हैं, ये सभी वर्गों को अपने परंपरागत तरीके से जो प्रोडक्शन होती है उसको बड़ा मार्केटिंग ब्रांड मिले, उनकी उपज बिक्री हो पाए, इसीलिए माइनॉरिटी विभाग ने हुनर हाट की कल्पना लाई है। उनकी भी उत्पादित चीज आने वाले दिनों में ई पोर्टल पे, सरकार की जो जेम पोर्टल है, उनमें भी बिक्री कर पाएंगे, उसकी भी आज काम शुरू किया गया। वही कैबिनेट मंत्री जितन प्रसाद शाहजहांपुर पहुंचे, मंत्री बनने के बाद पहली बार जिले में जितन प्रसाद पहुंचे हुए थे, कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए जितन प्रसाद ने कहा कि कुछ महीने पहले विपक्ष में होने के बावजूद भी बीजेपी के कई कार्यक्रम देखे हैं, काम बीजेपी कर रही है, सिर्फ सरकार बनाएगी और अब सबका सूपड़ा साफ करेगी। संभल से भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का विवादित और भड़काऊ बयान देने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का नाम लिए बिना जुबान काटने की बात मंच से कह रहे हैं।
और भाजपा नेता ने कहा है कि तालिबान का समर्थन करने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति को देश में रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता कायम होनी चाहिए, हम भी यही चाहते हैं और ये केवल गोल टोपी पहनने से नहीं होगा। इस समाज के ऊपर, इस धर्म के ऊपर कई संकट आए तो जिस प्रकार से आप सब लोग यहाँ भारी संख्या में इकट्ठे होकर आज इस रामलला के कार्यक्रम को सफल करने में लगे हुए हैं, आने वाले समय के अंदर भी पूरे आशा ही नहीं पूरे विश्वास है कि आप एकजुट होकर अपने समाज के सम्मान के लिए, अपने धर्म के सम्मान के लिए आप एकजुट होकर उसका संघर्ष करेंगे, उसके लिए आप प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे। वही लखीमपुर के तिकुनिया में हुए बवाल पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए कहा कि आशीष निर्दोष है, इनको छोड़ दिया जाए और जो लोग दोषी हैं उन्हें फांसी दी जाए। और कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई भाजपा कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया, उनके खिलाफ सख्त से कार्यवाही होनी चाहिए और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। इसके संबंध में आज निघासन में उच्च अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया और कहा गया कि 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। निघासन चौराहे पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर नारेबाजी की और राकेश टिकैत के मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो लखीमपुर खीरी में आज भाजपा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत के ऊपर निशाना साधा है। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस लखीमपुर कांड में आशीष पूरी तरह से निर्दोष है। वहीं कई भाजपा कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला गया है, जिसके बावजूद अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां नहीं हो पाई हैं। वहीं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया, साथ ही राकेश टिकैत मुर्दाबाद के जमकर नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले लखीमपुर खीरी कांड सामने आया था, जहां पर आरोपी आशीष के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला सामने आया था, जिसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे आशीष को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी है। वहीं इसी बीच आज कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। लखीमपुर खीरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज राकेश टिकैत के खिलाफ ये प्रदर्शन निकाला, जहां पर जमकर नारेबाजी की गई है। लखीमपुर के तिकुनिया में जो हुए बवाल पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ लखीमपुर खीरी से जुड़ चुके हैं। तो धीरज, आज भाजपा कार्यकर्ताओं का लखीमपुर खीरी में प्रदर्शन देखने को मिला है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, तीन तारीख में जो लखीमपुर तिकुनिया कांड में बवाल, जो तिकुनिया में बवाल हुआ था, उसको लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिला है। भाजपा कार्यकर्ताओं का 200-300 कार्यकर्ता इकट्ठा होकर निघासन मेन चौराहे पर उग्र रूप धारण करके प्रदर्शन किया गया है वहां पर, और राकेश टिकैत का पुतला भी जलाया गया है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा गया है डीएम के द्वारा, जिसमें उनकी मांगे हैं कि जो है जिन भाजपा कार्यकर्ताओं, चार भाजपा कार्यकर्ताओं के पीट पीट कर जो किसान प्रदर्शनकारी किसान थे वहां पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनको फांसी दी जाए। वहीं पर जो आशीष मिश्रा को पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है, उनकी रिहाई की भी मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखीमपुर खीरी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर आज भाजपा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर लखीमपुर कांड में आशीष की गिरफ्तारी को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन निकाला, जहां पर राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए।
वहीं अगली खबर संभल से है, जहां संभल गुन्नौर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक असली के बैनर तले कार्यालय विद्युत वितरण खंड बबराला के सामने लगातार 12 दिन से विद्युत संबंधी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें तयशुदा कार्यक्रम के तहत भाकियू अराजनैतिक असली की बाइक रैली निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों बाइकों की तादाद में धरना स्थल से एकत्रित होकर किसान कस्बा बबराला के मुख्य मार्ग से होते हुए कस्बा गुन्नौर के मुख्य बाजार के रास्ते गुजरकर तहसील परिसर पहुंचे हुए थे, जहां पर उप जिलाधिकारी गुन्नौर को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं रामपुर में किसानों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। दरअसल कृषि कानूनों के खिलाफ किसान सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहे थे। हंगामे के साथ साथ पीएम मोदी और अमित शाह का पुतला फूंकने जा रहे थे, तभी किसानों को पुलिस ने रोक दिया। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हसीब अहमद के नेतृत्व में किसान दोनों नेताओं का पुतला फूंकने जा रहे थे, इसी बीच उन्हें रोक दिया गया और बाद में पुलिस और किसानों के बीच हंगामा देखने को मिला। मैनपुरी के घिघोर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले चलाए गए पॉलिथिन हटाओ अभियान को लेकर दुकानदारों ने हंगामा किया है। अभियान के जरिए करीब 84,000 के किए गए भारी जुर्माने को लेकर उपजिलाधिकारी रतन वर्मा और अधिशासी अधिकारी नीलाव शल्य के ने दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगा दिया था। इसी को लेकर नाराज दुकानदारों में रोष देखने को मिला और हाथों में काली पट्टी बांध कर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही कहा गया कि हम लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा, अगर जरूरत पड़ी तो रोड जाम भी किया जाएगा। पहले दिन जो चल रही है इसकी पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई बंद होने के माध्यम से, और एकदम आगे पॉलिथिन के विरोध में सब चालान बड़े बड़े काटे गए और दुकान में घुसकर उत्पीड़न किया गया। हम लोगों को पॉलिथिन के एवज में कोई ऐसी चीज दे दी जाए जिसमें हम लोग। वही राजधानी लखनऊ के फिनिक्स पलासियो मॉल में वीके लाइफ स्टोर का बिग बॉस विनर प्रिंस नरूला ने आज शुभारंभ किया। यह कंपनी का 16वां स्टोर है जी इस मॉल में है। बता दें कि लंदन से जुड़े जेड ब्रांड कंपनी वीके लाइफ अब तक देश के 15 स्टोर अपने खोल चुका है। कंपनी के मालिक गौरव और रोहित ने बताया कि कंपनी के प्रोडक्ट को बहुत पसंद किया जा रहा है और कंपनी के पास समाज के हर वर्ग के लिए प्रोडक्ट्स हैं और उनके प्रोडक्ट्स को लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली, मोहाली, हम बहुत जगह स्प्रेड है। हम 100+ फ्रेंचाइजीज इंडिया में क्लोज कर चुके हैं। हम आने वाले 2 साल में 200 स्टोर का टारगेट लेके चल रहे हैं कि इंडिया में हर कोने पे ये प्रोडक्ट्स जो इंडिया में आ सकते नहीं उनको हर कोने में हर घर तक पहुँचाएंगे। क्या डिफरेंट प्रोडक्ट हैं अन्य प्रोडक्ट? हमारी जो प्रोडक्ट रेंज है पूरे आज के मिलेनियल के लिए डिज़ाइन की गई है, जो आज के मिलेनियल कपड़ों के सिवा जो भी नीड होती है कि अगर आज का मिलेनियल पेरेंट भी है उनके बच्चों के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशनल टॉयज, आपकी मोबाइल एसेसरीज, आपका हैंड बैग, आपके आप ऑफिस जा रहे हैं आपके ऑफिस के लिए अमेजिंग लंच बॉक्सेज, आपके बैग्स, हर स्मॉल चीज़ जो आज की जनरेशन को नीड है यू नो वो हम अपने लेके आते हैं एंड विद 1 ईयर स्ट्रेट गारंटी। हर प्रोडक्ट इतना हाई क्वालिटी से बनाया गया कि हम उस पर कॉन्फिडेंट रखते हैं 1 साल की गारंटी देने का। मुझे ये बताइए कि जो आपके प्रोडक्ट हैं ये कैसे हैं, ये प्रीमियम जो पर्सन उनके लिए रहेंगे कि ये सबके लिए रहेंगे? मैंने आपको जैसे बोला ये मास्टर्स के लिए, हमारे हर प्रोडक्ट रेंज में हर रेंज का प्रोडक्ट है। हमारी ये केबल हमारे यहाँ पे स्टोर में 200 रुपये से लेके 45,000 रुपये तक का प्रोडक्ट है। सो हम मास्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो हमें वी नॉट टारगेटिंग ओनली लग्जरी मार्केट बट येस आवर प्रोडक्ट्स कम विद अ वेरी अप मार्केट फील, उसमें काफ़ी अप मार्केट फील है। 16वां स्टोर आप यहाँ ओपन कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी काफ़ी क्लोज हो चुकी हैं, पिछले जो 15 आपके स्टोर खुले हैं उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है? देखो हम बड़े से बड़ा स्टोर बनाए जा रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स खुद ही बोलने की बात है। हम कंपेयर टू मेनी ब्रांड हम पर स्क्वेयर फुटेज सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोर है और हमें इंडिया से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और यूपी से तो बहुत अच्छा मिला है, तभी हमने डबल द साइज स्टोर बना दिया है जिस मॉल में, वो भी बहुत बड़े प्रीमियम मॉल में। इससे पहले हमारा 1 अवर में छोटा स्टोर था जो हमने 2 साल पहले खोला था और कोरोना के बाद हमने कहा यार ये टाइम मिला है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है टू टेक द स्टोर इन अ बिगर वे, तो हमने अभी डबल द साइज स्टोर खोल दिया। लखनऊ में और कितने स्टोर खोलने की? हम 4 स्टोर और खोलने का प्लान कर रहे हैं 1 साल के अंदर।
इको फ्रेंडली किस तरह के प्रोडक्ट बनाए हो आप? डेफिनेटली प्रोडक्ट सारे इको फ्रेंडली हैं, प्रोडक्ट रिसाइकल हैं, हमारा स्टेनलेस स्टील क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, 304 ग्रेड पे हम काम कर रहे हैं और क्वालिटी एश्योरेंस हम इतनी दे रहे हैं कि तभी एक साल की रिप्लेसमेंट गारंटी हम हर चीज़ पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं। आने वाले समय में हम 30% से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यूपी में सभी दलों ने वोटरों को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। बता दें कि जनपद में किशनी विधायक ब्रजेश कठेरिया ने 5 दिन पहले जन संदेश यात्रा का शुभारंभ किया था और अब समाजवादी पार्टी की जन संदेश यात्रा जिले के करीब 70 गांव में भ्रमण कर जनता से आशीर्वाद मांग चुकी है। आज यात्रा भावंत गांव से प्रारंभ होकर कई गांवों में पहुंची। सपा लोहिया वाहिनी के जिला महासचिव विजय कठेरिया के साथ में अभिनव यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य के पुत्र सीटू यादव के साथ कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। आम जनता से निवेदन कर रहे हैं, हमारी सरकार थी तो बहुत योजनाएं थी, बिजली फ्री मिल रही थी, महंगाई बहुत कम थी, डीजल बहुत सस्ता था, पेट्रोल बहुत सस्ता था, गैस सिलेंडर 400 रुपए का भरता था, अब 1000 का हो गया, डीजल पेट्रोल 65 रुपए मिलता था, 100 रुपए क्रॉस कर गया पेट्रोल और डीजल है और ये किसानों की अत्यारी सरकार है और ज़्यादातर हमारे जनपद मैनपुरी में सभी लोग किसान हैं। लखीमपुर खीरी में 6 किसानों को एक बीजेपी मंत्री का बेटा रौंद के चला गया और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जाँच करेंगे, उसको पकड़ नहीं रहे। ग्रामीण बहुत उत्साहित कह रहे हैं भैया। वहीं बिजनौर में रामलीला मंचन के दौरान दशरथ का रोल निभाने वाले कलाकार गजेंद्र प्रसाद ने मंचन के दौरान ही अपना दम तोड़ दिया। बता दें कि रामलीला में दशरथ का अभिनय करने वाले राजेंद्र प्रसाद ने 62 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आया जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। गजेंद्र प्रसाद के निधन से उनके पूरे परिवार में इस वक्त शोक का माहौल है। बलरामपुर जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर नगर पालिका परिसर की तरफ से नगर क्षेत्र में ही कूड़ा डंप किया जा रहा है जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और मोहल्ले के लोगों में बीमारियों का भी इस वक्त तादाद बढ़ती दिखाई दे रही है। यहां नगर पालिका परिषद के ठेकेदार अपनी दबंगई दिखाते हुए नगर का सारा कूड़ा रोड पर डंप कर रहे हैं जिससे वायु प्रदूषण होने के कारण लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले के मिथिलेश पांडे और कई लोगों ने बताया कि हम लोगों ने कई बार नगर पालिका से और जिला प्रशासन से मामले की शिकायत की है लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जब कूड़े में आग लगा दी जाती है तो चारों तरफ प्रदूषण फैल जाता है, वैसे ही गंदगी से काफी प्रदूषण बना रहता है जिससे घर और परिवार में बच्चे बीमार होते रहते हैं, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्वास्थ्य के लिए काफ़ी दिक्कत है, ये पर्यावरण के लिए भी नुकसान है, ये देखना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट को ये गंदगी इतना पड़ा हुआ है, इससे जानवर खाएंगे, जानवर भी बीमार पड़ेंगे और बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, सांस लेंगे तो दिक्कत आएगी ना, इससे इसको देखा जाए, कार्रवाई की जाए। कब से गंदगी लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं? ये गंदगी नगर पालिका और गवर्नमेंट छोड़वा रही, इस पर इसको ध्यान दिया जाए, यहाँ पर साफ सुथरा रखा जाए पूरा, गंदगी फेंकने से थोड़ी अच्छी बात है। परेशानी यह है कि यहाँ पर नहर बालागंज के बगल में जो रोड बनी है जिस पर हम लोग खड़े हैं वो तो तमाम कूड़ा कचरा फैलाते, गंदगी धुआं उड़ता है और उसमें बांस का टुकड़ा रहता है जो पक्षी लोग उड़कर ले जाते हैं, हम लोगों के आंगन में फेंक देते हैं, जिसके कारण जीना दुर्भर हो गया है, तमाम प्रदूषण फैल रहा है और आप कूड़ा स्वयं देख लीजिए, फोटो ले लीजिए कूड़े का, इसका निस्तारण कूड़ा आता है, ये कूड़ा नगर पालिका से आता है और ठेकेदार लोग गिराते हैं, नगर पालिका वाले कहते हैं कहीं भी गिरा दो और ठेकेदार लोग गिरा देते हैं, और अरे बहुत दिन से लगभग 1 वर्ष हो गया है गिर रहा है यहाँ पर, तमाम लोगों ने शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने कई बार कहा भी, पर्सनली भी कहा, शिकायत भी किया और जो वो हैं आपके कूड़ा गिराने वाला जो डंपर है उससे हमने कई बार कहा, 1-2 बार झगड़ा भी हो गया, मारपीट भी हो गया था, लेकिन मान नहीं रहे हैं, रात में किसी समय जब टाइम पाते हैं तब। वही औरैया के अछलदा ब्लॉक परिसर के बाहर बनी 52 दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जिलाधिकारी राशिद अली ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख शरद राणा, शीला देवी पत्नी राम शंकर, विपक्षीगढ़ साक्षना प्रस्तुत करने पर प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। 52 दुकानों को 4 JCB मशीनों के जरिए गिरा दिया गया है।
ब्लॉक परिसर पर अवैध तरीके से निर्माण कार्य कराया गया था। वहीं पर ब्लॉक प्रमुख शरद राणा पर जिलाधिकारी ने दोबारा पैमाइश कराने की गुहार लगाई है। मामले पर अपर जिलाधिकारी ने जिलाधिकारी से बात करने के बाद कहा है कि जो भी जिले से निर्देश दिए जाते हैं उसे कब किस उसी प्रकार से कार्य किया गया है। ये ब्लॉक परिसर में लगभग 50 दुकानें बनाई गई हैं, जो ब्लॉक परिसर की 50 साल पुरानी दीवार को बाउंड्री वाल को तोड़ करके उसके अंदर बनाई गई है। कुछ उसके बाउंड्री परिसर के अंदर बनाई गई है, कुछ उसके आगे बनाई गई है। आगे की भूमि सबकी है और जितना बाउंड्री तोड़ करके अंदर बने हैं वो ब्लॉक परिसर। वहीं अलीगढ़ के बरोट छजमल गांव में शराबी युवक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से पिता और बहन को गोली मार दी। गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में दोनों घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया। शराब के लिए पैसे ना देने के चलते आरोपी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। आरोपी युवक को पुलिस ने रिवॉल्वर के साथ फिलहाल हिरासत में ले लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। वहीं घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बरोड छज्जलमल थाना लोधा में ऐसी सूचना मिली थी कि फायरिंग के द्वारा एक व्यक्ति ने अपने परिवार के पिता व बहन को घायल कर दिया गया है। घायलों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है और उस व्यक्ति वही मथुरा में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। घटना मथुरा जनपद के थाना रिफाइनरी क्षेत्र के गांव की बताई जा रही है, जहां पर 34 वर्षीय अशोक नामक व्यक्ति की हत्या गांव के ही कुछ नामजद लोगों ने कर दी। पुलिस के द्वारा फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने मथुरा आगरा हाईवे पर जाम लगाकर मुकदमा दर्ज करने व थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की। परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों की गिरफ्तारी न करने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। भाई सकल तो देख के आओ तुम ये देखो और नाथी संगो और जो बंदा चंद पूरे और गोदी रे गोदा सब गोदी ओए अपने वही संभल में पैसे मांगने गए पशु व्यापारियों पर उद्योगपति के बेटे ने गेट पर ही गार्डों से हमला करवाया। मामले में घायल युवकों ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो अपने पैसे मांगने फैक्ट्री पर गए हुए थे, जहां पर गेटमैन के जरिए उन्हें रोक लिया गया और उसके बाद फैक्ट्री मालिक के बेटे के आदेश पर तीनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया गया। किसी तरह से घायल जिला अस्पताल इलाज कराने पहुंचे। घटना की जानकारी होने पर काफी तादाद में पशु व्यापारी जिला अस्पताल पहुंचे। इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि इस तरह अगर मारपीट की जाएगी तो काम किस प्रकार से होगा। वहीं रायबरेली के ऊंचाहार थाना इलाके में नमकीन खाने से तीन बालिकाओं की हालत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें से दो बच्चियों की मौत हो गई जबकि अन्य का इलाज जारी है। मामला ऊंचाहार थाना इलाके के मिर्जा इनायतुल्लाहपुर का बताया जा रहा है। यहाँ के रहने वाले नवीन सिंह की तीन बेटियां सुबह पास ही की दुकान पर गई हुई थी, जहां से उन्होंने खाने के लिए नमकीन ली। वहीं नमकीन खाने के बाद तीनों बच्चियों को उल्टियां होने लगी। परिजनों ने उन्हें तत्काल सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पर दो बच्चियों की मौत हो गई। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।